एरे, ओके, साइज ऑफ दैट एरे इज 10 एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट एरे इज इंटीजर. सो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ 10 यूनिट्स. द डेटा टाइप ऑफ दोस 10 यूनिट्स विल बी इंटीजर. ओके, दस कंटिगुअस मेमोरी को एलोकेट कर देगा ये. ठीक है, नाउ आई एम सेइंग ए आर आर 0 इक्वल टू 5, देन व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा बताइए. नेक्स्ट लाइन, इफ आई एम सेइंग ए आर आर 0 इक्वल टू 5, व्हाट इट विल डू. ओके, पहली लाइन क्या थी, आई एन टी ए आर आर 10. सो ये क्या करेगा, 10 कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन कर देगा. उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर. इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, जीरो जीरो से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, सो ये लाइन क्या करेगी, सिंपली 10 कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन मेमोरी पे स्टोर करा देगी. तो और इसका सबका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर. ओके, सेम डेटा टाइप. सेम डेटा टाइप मींस ये सारे 0 to 9 इंटीजर डेटा टाइप होंगे. नाउ इफ आई एम सेइंग ए आर आर 0 इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हुआ. इसका बेसिकली मतलब ये हुआ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स. ओके, सो ये कह रहा है कि इंडेक्स 0 पे 5 को स्टोर कर दो. तब यहां पे क्या होगा, इंडेक्स 0 पे आपका 5 स्टोर हो जाएगा. ठीक है, ये लाइन समझ में आई. ए आर आर 0 इक्वल टू 5 मीन्स एक्सेसिंग एलिमेंट एट 0 इंडेक्स एंड सेटिंग इट्स वैल्यू टू 5. ओके, 0 इंडेक्स की वैल्यू को इसने 5 सेट कर दिया, तो अब यहां पे हो गया स्टोर 5. ओके, सिमिलरली इफ आई से ए आर आर 6 इक्वल टू 4, ये क्या करेगा, ये एट द इंडेक्स 6, इंडेक्स 6 ये है. ओके, इस पे वैल्यू 4 को स्टोर कर देगा. ये समझ में आया. यस और नो. यस ओके, सिमिलरली इफ आई से अगर हम प्रिंट कराना चाहे, इसमें तो स्टोर करा दी, अगर हम प्रिंट कराना चाहे, इफ आई से प्रिंट एफ परसेंटेज डी, क्योंकि आपका इंटीजर ये डेटा टाइप एरे का इंटीजर है, ए आर आर 0, ये क्या प्रिंट करेगा. फाइव यस, इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू होगी अभी फॉर एट प्रेजेंट 5 है, वो उसको प्रिंट कर देगा. ठीक है, ये इंडेक्स है, दैट इज 0. इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा. सिमिलरली इफ आई से प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आर आर 6, ये क्या प्रिंट करेगा, फोर या इट इज गोइंग टू प्रिंट 5 एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट 4. नाउ इफ आई से प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आर आर 2, ये क्या प्रिंट करेगा. जीरो सर फाइव इंडेक्स 2 की बात कर रहे हैं, इंडेक्स 2 पे क्या है अभी, इंडेक्स 2 ये है ना. नाइन यस सर ओके, सो इंडेक्स 2 पे अभी क्या है,
इंडेक्स टू, इंडेक्स वन, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर, इंडेक्स फाइव, सेवन, एट, नाइन, इनको अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर कोई भी एरे में इंडेक्स ऐसा है जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, देन इट इज गोइंग टू प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू। ओके, अब ये हो सकता है जीरो प्रिंट कर दे, फाइव प्रिंट कर दे, नाइन प्रिंट कर दे, ये डिपेंड करेगा पिछले प्रोग्राम ने जब इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया था उसने इस मेमोरी लोकेशन पे क्या पुटअप किया था। ठीक है, ये लाइन क्लियर है? यस सर। ओके, जो जब अगर हम किसी भी एरो को इनिशियलाइज नहीं करेंगे देन, और हम उसको एक्सेस करके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, अब वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता है जीरो ही प्रिंट कर दे, हो सकता है फाइव कर दे, हो सकता है नाइन। दैट गार्बेज वैल्यू का मतलब यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। ओके, यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। ओके, तो कोड ब्लॉक्स में देखिए, ए आर आर जीरो पे हमने फाइव को दिया, अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ए आर आर जीरो पे हमने दिया हुआ है फाइव, ये फाइव को सिंपली प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये फाइव को सिंपली प्रिंट कर रहा है। अब अगर हम इसको चेंज कर दें, ए आर आर जीरो की जगह हम ए आर आर टू कर दें, हो सकता है ये कुछ जीरो प्रिंट कर दे, कुछ और प्रिंट कर दे, तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू। देखिए गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है ना, 4199705, क्योंकि हमने ए आर आर टू को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो फिर वो आपको गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगी। अब अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, यहां पे इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा? अब ये जीरो प्रिंट कर रहा है। सेम ए आर आर टू को अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं तो जीरो प्रिंट कर रहा है, सेम ए आर आर मैं अगर नाइन को एक्सेस करूं तो भी ये जीरो प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझो, ये क्यों कर रहा है। देखो जब हमने जब हम एरे पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज और पढ़ी थी, ओके, दैट इज कि इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज द एरे विद जीरो और नल वैल्यू। ये हमने पढ़ा था ना, हमने जब स्लाइड्स पढ़ रहे थे हम, तो हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था, इट इज ऑलवेज गुड। यस हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन है? ओके, सो हमने ये कहा था इट इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज द एरे विद आइदर जीरो और नल वैल्यूज। तो अब क्या किया हमने, जैसे ए आर आर आई एन टी ए आर आर टेन बोल दिया, एंड देन वी आर सेइंग ए आर आर जीरो इक्वल टू फाइव। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमने एरे बना दिया जीरो टू नाइन वन एंड देन टू, ओके, जीरो टू नाइन तक का एरे बना दिया साइज। अब जीरो पे हमने बोला फाइव को स्टोर कर दो, ठीक है, बट यहां पे हमने कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं दिए। नाउ दिस इज गोइंग टू प्रिंट, अगर हम प्रिंट एफ परसेंटेज डी सॉरी ए आर आर टू अभी हमने किया, तो उसने क्या दिया हमें, कोई गार्बेज वैल्यू?
ओके okay? तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कभी एरे को डिक्लेयर करिए तो उसको इनिशियलाइज कर दीजिए आइदर जीरो से या फिर नल वैल्यू से, क्योंकि अगर गलती से आपने कोई ऐसा इंडेक्स को एक्सेस करा जहां पे आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है तो वो आपको गार्बेज वैल्यू दे देगी, एरर नहीं देगी, गार्बेज वैल्यू। अब इस हो सकता है यहां पे जो वैल्यू पड़ी है उसको लेके आप कैलकुलेट कर रहे हो किसी की सैलरी, ओके, उसका फॉर्मूला माइट बी लाइक ARR 2 × 1000 है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री नहीं दी या उस पर्टिकुलर आदमी की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो आप उसकी सैलरी बना देंगे से समथिंग 2000, अगर यहाँ पे गार्बेज वैल्यू 2 आ गई, अगर यहाँ पे गार्बेज वैल्यू 1000 आ गई तो आप सैलरी क्या बन जाएगी इसकी, इतनी हो सकता है इतनी सैलरी ही ना हो उसकी, ओके okay? तो अगर इस चीज को यूज करके दैट इज ARR 2 को यूज करके आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और इसने अगर गार्बेज वैल्यू ले लिया तो इसके इश्यूज क्या होंगे, एक तो इनकरेक्ट कैलकुलेशन होगा, ओके, और इनकंसिस्टेंट होगा। ये गार्बेज वैल्यू तो हो सकता है दोबारा जब आप एक्सेस करें तो कुछ और आ जाए, ओके? तो इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम अपने एरे को डिक्लेयर करें तो उसको इनिशियलाइज कर दें। तो गुड प्रैक्टिस ये है INT ARR 10 = 0, ओके? तो अब क्या करेगा, ये 10 कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन लेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सबको जीरो से इनिशियलाइज कर देगा, ओके? नाउ इफ आई एम सेइंग ARR 0 = 5 तो क्या करेगा, ये जीरो को ओवरराइड करके यहां पे 5 कर देगा। इफ आई एम सेइंग ARR 1 = 10 तो ये index 1 पे जाके इसको ओवरराइड करके 10 कर देगा। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं और आई एम सेइंग प्रिंट एफ परसेंटेज डी ARR 4, सो अब ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं देगा, ये सीधे प्रिंट करेगा 0। सिमिलरली इफ आई एम सेइंग प्रिंट ARR 5 ये प्रिंट करेगा 0, ओके? ये पॉइंट क्लियर है आपको, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल? यस सर, ओके, यस सर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कोड, ओके? फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक सिर्फ बात की इंटीजर को इनिशियलाइज करने की, हम कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर भी ले सकते हैं, लाइक हियर वी हैव टेकन कैर ARR 1 इक्वल टू ABCDEABEKD, ओके? INT ARR 2 इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, ओके? अब हम देखिए हमने क्या बात की थी कि हम एरे के साथ साइज ऑफ एरे भी देते हैं, ओके? हम एरे को कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, CHARARR 1, ओके? इंटीजर भी ले सकते हैं INT ARR 2, ओके? अब अगर हमने यहां पे साइज ऑफ एरे, यहां पे भी क्या है ब्रैकेट के अंदर साइज ऑफ एरे होता है, इफ आई हैव नॉट गिवेन द साइज ऑफ एरे एंड आई हैव इनिशियलाइज इट विथ लाइक ABCDE, ओके? सो बाई डिफॉल्ट दिस साइज ऑफ एरे विल बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट वी आर इनिशियलाइजिंग विद इट, ओके? सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, सो बाई डिफॉल्ट दिस साइज विल बी 5,
ओके सिमिलरली इफ आई एम सेइंग आई एन टी ए आर आर और यहाँ पे कोई साइज ऑफ नहीं देते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10, 20, 30, 40, कितने एलिमेंट है यहाँ पे हमने डिफाइन किए, 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 4 हो गए, तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज हो जाएगा 4. ओके अगर हमने साइज नहीं दिया है किसी भी एरे को डिफाइन करते टाइम, फॉर एग्जांपल कैर ए 1 और उसमें हमने कोई साइज नहीं दिया, ये एम्प्टी छोड़ दिया, और हम उसको इनिशियलाइज करते हैं ए बी सी, ओके तो इसका साइज क्या होगा बताइए, 3 होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इनिशियलाइज 1, 2, 3. ओके ये क्लियर है, सिमिलरली यहां पे अब सिमिलरली यहां पे इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पे हम साइज ऑफ एरे नहीं दे रहे हैं ना, कैर ए आर आर 1 ब्रैकेट और उसमें कोई साइज नहीं दे रहे, तो इसका बाय डिफॉल्ट इसका साइज हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी ए के डी दैट इज 5. आई एन टी ए आर आर 2 यहां पे साइज नहीं दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो इसका साइज हो गया ऑटोमेटिकली 5. ओके नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आर आर 2 0, प्रिंट एफ परसेंटेज सी ए आर आर 1 0, तो ये क्या आउटपुट देगा बताइए, इसका आउटपुट बताइए, टेन एन ए वो क्यों देगा, देखिए आपने यहां पे डिफाइन किया क्या, एक दो एरे किए दैट इज ए आर आर 1 एंड ए आर आर 2. ओके तो ए आर आर 1 जो है आपका, उसमें आपने बोला हम डेटा टाइप कैरेक्टर देंगे, ओके 0, 1, 2, 3, 4 और वहां पे आप बोल रहे हैं ए बी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने क्या बोला ए बी ई के डी, ए बी ई के डी. ओके सिमिलरली आपने ए आर आर 2 बोला 10, 20, 30, 40, 50. ओके इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4. ओके नाउ इफ आई एम सेइंग प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आर आर 2 0, सो ये इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा. ठीक है तो ये इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है, 10. ओके सिमिलरली इफ आई एम सेइंग प्रिंट एफ परसेंटेज सी ए आर आर 1 0, ये क्या प्रिंट करेगा, अब ए आर आर 1 के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ए. ओके सो विद दिस सेम आउटपुट विल बी देयर, इफ आई से इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3 हियर देन व्हाट विल बी द आउटपुट, ए आर आर 2 के इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 20, 30 एंड के एंड 3 पे के, या करेक्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, थर्टी एंड के, ये क्लियर है आपको, आगे चले. यस सर. ओके अब एरे को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब ये क्या कह रहा है, आई एन टी मार्क्स 5, सो इट इज डिक्लेयरिंग एन एरे हुज नेम इज मार्क्स, साइज ऑफ एरे इज 5, डेटा टाइप ऑफ दैट एरे इज इंटीजर.
तो ये क्या कर रहा है बेसिकली? ओके, आई एन टी मार्क्स फाइव, आई एन टी मार्क्स फाइव। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? फाइव कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेट कर रहा है। उसके इंडेक्स क्या होंगे? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ओके, नाउ इफ आई एम सेइंग मार्क्स जीरो इक्वल टू टेन, मार्क्स वन इक्वल टू ट्वेंटी, मार्क्स टू इक्वल टू थर्टी, मार्क्स थ्री इक्वल टू फोर्टी, मार्क्स फोर इक्वल टू फिफ्टी। ओके, अब ये क्या करेगा बताइए, व्हाट इट विल डू? If I am saying marks at index 0 equal to 10, then what it will do? It will initialize this index 0 with 10. If I am saying marks at index 1 equal to 20, it will initialize this index 1 with 20. At what this line is saying? It is saying at index 2 store 30. At index 3, store 40. At index 4, store 50. तो हमने पूरा एरे को इनिशियलाइज कर दिया। तो इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है? 10। इंडेक्स 1 पे क्या है? 20। इंडेक्स 2 पे क्या है? 30। इंडेक्स 3 पे क्या है? 40। इंडेक्स 4 पे 50। ये क्लियर है? यस सर। ओके, तो ओके, अब ये तो हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहां पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसको प्रिंट कैसे करोगे? मैं ये चाहता हूं कि इंडेक्स टू की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्या लिखूं प्रिंट एफ में बताइए? प्रिंट प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा परसेंटेज डी क्या? कॉमा ए डबल आर। यहां पे हमने मार्क्स लिखा है नाम, ठीक है, ओके तो सॉरी सर, मार्क्स, मार्क्स हाँ, बिग ब्रैकेट में टू। टू, करेक्ट। ओके, सिमिलरली अगर हमको इंटायर एरे की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है तो क्या करेंगे? इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 सब प्रिंट करना है, तब क्या करेंगे? हाँ, फॉर लूप का यूज कर लेंगे सर। एक तरीका वो है फॉर लूप का। एक तरीका ये है कि आप प्रिंट एफ में ही लिख दीजिए। अगर आपका एरे छोटा है तो आप लिख दीजिए परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। ए मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। ओके, एक तो ये तरीका है। अब क्या होगा? इंडेक्स 0 को प्रिंट कर देगा, इंडेक्स 1 को प्रिंट कर देगा, इंडेक्स 2 को, इंडेक्स 3 को, इंडेक्स 4 को। आपका एंटायर जो वैल्यूज है एरे में, जिसको कहते हैं ट्रेवर्सल ऑफ एरे। ओके, वो आप इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एक लूप ले लीजिए, वो फॉर का ले लीजिए आप या वाइल का ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर का लूप लेता हूँ। वो हमारा मार्क्स, मार्क्स फाइव। ओके, जिसमें वैल्यू हम बोल रहे हैं अभी वट एवर 10, 20, 30।
ओके, ये आपका फॉर एग्जाम्पल एरे है। अब आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो आप एक फॉर का लूप ले लीजिए। ओके, तो उसको चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, आई एम सेइंग INT आई। ओके, जो आई क्या है, आई विल रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ द एरे। ओके, तो अब यहां पे कितने इंडेक्स हैं बताइए, 0 है, 1 है, 2, 3, 4। ओके, तो लूप कहां तक चलाना पड़ेगा हमें, फॉर 0 to 4। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4 और लेस देन 5, 5 5। ओके, आई प्लस प्लस, तो बेसिकली 5 क्या है, साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे ये है ना 5। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू राइट विद इन दिस प्रिंट एफ परसेंटेज डी मार्क्स आई। ओके, नाउ अब ये लूप कैसे रन करेगा, आई इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट टाइम ये आया आई इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू, अंदर गया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मार्क्स आई, तो मार्क्स आई अभी क्या है 0, तो मार्क्स 0 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ दिस लूप विल अगेन गो अप, आई को एक इंक्रीमेंट करेगा, नाउ आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 5, ट्रू, अगेन गया प्रिंट एफ परसेंटेज डी मार्क्स आई, आई की वैल्यू क्या है अभी, आई की वैल्यू क्या है अभी 1। 1, इसको प्रिंट कर देगा। नाउ अगेन ये ऊपर गया, आई को इंक्रीमेंट किया, 2 हो गया। ओके, 2 इज लेस देन 5, ट्रू, अंदर गया, इसने क्या प्रिंट किया, आई की वैल्यू भी क्या है 2, इसको प्रिंट कर दिया। अब इस फिर से ऊपर गया, आई को इंक्रीमेंट किया, 3, 3 इज लेस देन 5, ट्रू, अंदर गया, प्रिंट एफ मार्क्स आई, आई की वैल्यू क्या है 3, इसने प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम आई को फिर से एक इंक्रीमेंट करेगा 4। ओके, 4 इज लेस देन 5, ट्रू, अंदर गया, अब आई की वैल्यू क्या है 4, को प्रिंट किया। ओके, नाउ फिर से लूप ऊपर गया, आई को इंक्रीमेंट किया 5, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स, बाहर आ गया। ठीक है, तो एक तरीका तो आपने ये है कि इंडिविजुअली आप लिख दीजिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी एंड देन ARR 0 1, वो थोड़ा टीडियस हो जाता है अगर आपका एरे का साइज बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग ए मार्क्स 50, तो अब अगर आप उसको प्रिंट कराइएगा, एक प्रिंट एफ कमांड दीजिएगा 50 बार परसेंटेज डी लिखिए, 50 टाइम्स यू हैव टू राइट परसेंटेज डी। ओके, देन कॉमा मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, 50 बार आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर जब एरे साइज बड़ा हो जाए तो सब बेहतर तरीका क्या है, आप एक लूप लगा दीजिए। ठीक है, ये क्लियर है आपको? यस सर, ओके, यस सर। तो यहां पे भी वही किया है हमने, वैल्यू को इनिशियलाइज करा दी, इंडेक्स 0 पे ये स्टोर करो, इंडेक्स 1 पे ये स्टोर करो, इंडेक्स 2 पे ये स्टोर करो, इंडेक्स 3 पे ये स्टोर करो, इंडेक्स 4 पे ये स्टोर करो। फिर हमने एक फॉर का लूप ले लिया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ब्रैक स्लैश एन मार्क्स आई, तो ये क्या करेगा, व्हाट एवर वैल्यू यू हैव स्टोर्ड इन द एरे सारी वैल्यूज को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ठीक है।
ओके, एक तरीका ये है इनिशियलाइजेशन का, दूसरा तरीका ये है। ओके, हमने यहीं पे लिख दिया INT मार्क्स 5 इक्वल टू 20 30 40 50 60। ओके, इंडेक्स पे बार बार देने का कोई मतलब नहीं है, आप एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर डिक्लेयर एक साथ कर सकते हैं, वही यहाँ पे मैंने किया। उसके बाद एक फॉर का लूप चला दिया, फॉर का लूप चलाने के बाद उसमें जो भी एंट्रीज थी वो प्रिंट करा दी। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा 10 सॉरी 20 30 40 50 60। ओके, ओके okay. अब ये प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं बताइए। हाँ, आप बताएंगे तभी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं तो आपको जो पढ़ा रहा हूँ मुझे तो समझ में आ रहा है क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है आप जब बताते हो तभी हमें समझ में आएगा कि आपको कुछ आया कि नहीं आया। ठीक है, सर पहले अरे इनिशियलाइज करके उसके बाद फॉर लूप से उसमें वैल्यूज असाइन कर रहे हैं यस, और फिर वापस फॉर लूप से उसमें से प्रिंट करवा रहे एग्जैक्टली हैं। फॉर लूप से हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो ये फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम कह रहा है फॉर i इक्वल टू 0, i <10, i++, n i इक्वल टू i+100। ओके, तो मैं इसको आपको समझा देता हूं ये कर क्या रहा है। ओके, तो एक एरे हम क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एरे है INT ARR जिसका साइज है 10। ओके, एंड देन व्हाट वी आर सेइंग फॉर i इक्वल टू 0, i<10, i++। ओके, INT i यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, नाउ आई एम सेइंग ARR i = 100 + i। ओके, नाउ आई एम सेइंग फॉर i = 0, i<10, i++ प्रिंट एफ परसेंटेज डी ARR i। ओके, तो अब ये क्या करेगा बताइए। सबसे पहले ARR 0 पे कौन सी वैल्यू आएगी, जब i की वैल्यू 0 होगी तो ARR i पे कौन सी वैल्यू आएगी, 100 + 0। तो अगर हमारे पास ये एक एरे है तो इंडेक्स 0 पे क्या स्टोर होगा, 100 100 100 यस। फिर ये लूप ऊपर गया, i को प्लस प्लस किया, i की वैल्यू हो गई अब 1, 1 <10 ट्रू। नाउ ARR 1 पे क्या स्टोर करेगा, ये इंडेक्स 1 पे क्या स्टोर करेगा, ये 101। 101 ओके, सिमिलरली इंडेक्स 2 पे क्या करेगा, 102। 3 पे क्या करेगा, 103। ठीक है, ये इंडेक्स 9 तक स्टोर करेगा इसमें। ओके, और ये फिर लूप बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट लूप आपका जो भी वैल्यू आपके ये एरे में स्टोर्ड हैं उसको प्रिंट कर देगा। दैट इज बेसिकली ट्रैवर्सल ऑफ एरे। ट्रैवर्सल ऑफ एरे मतलब एरे में, पूरे एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कोड, दैट इज 2 डिमेंशनल एरे, दिस वन। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, अब हम कह रहे हैं हम 2 डिमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था 2 डिमेंशनल एरे, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं।
टू डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई एन टी ए आर आर थ्री थ्री। ओके, टू डायमेंशनल एरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं। थ्री डायमेंशनल एरे करना होगा तो क्या करेंगे? आई एन टी ए आर आर। ओके, सिमिलरली फोर एंड फाइव ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये टू डिमेंशनल एरे जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, लेकिन मेमोरी में जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है कंटिगुअस। ओके, दैट इज दिस इज रो वन, रो टू, यहां तक रो वन है, यहां से यहां तक रो टू है, यहां से यहां तक रो थ्री है, ठीक है। एक्चुअल मेमोरी में जो होता है रिप्रेजेंटेशन वो ऐसा होता है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे करते हैं। अब आपको पता है इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है एरे में? जीरो से। ये आपकी कॉलम है, ये आपके रोज हैं। तो जब आप टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो ये आपका फर्स्ट वाला जो है वो रो है, सेकेंड वाला क्या है? कॉलम, ठीक है। ये थ्री रोज थ्री कॉलम। ओके, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो वन टू, रोज में जीरो वन टू। ओके, अब ये जो इंडेक्स है इसको बोलेंगे जीरो रो जीरो कॉलम। ओके, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम, जीरोथ रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो जीरोथ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इंडेक्सिंग समझ में आई? यस सर। ओके, तो अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने स्टोर कर दिया 10। ओके, इफ आई एम सेइंग ए आर आर वन वन, इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आर आर वन वन। ओके, तो इंडेक्स वन वन पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे 10 है। ओके, तो इंडेक्सिंग समझ में आ रही है? अगर इंडेक्सिंग समझ में आएगी तो आगे की चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आई एन टी ए आर आर टू फोर, तो ये क्या करेगा? दो रोज फोर कॉलम, टू रोज फोर कॉलम, रोज का इंडेक्सिंग जीरो वन, फोर कॉलम जीरो वन टू थ्री। ओके, तो अब ये क्या हो गया इंडेक्स? जीरो रो जीरो कॉलम, जीरो रो फर्स्ट कॉलम, जीरो रो सेकंड कॉलम, जीरो रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो जीरो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब अगर उसमें टू डिमेंशनल एरे में आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे वन डी में करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग एक टू डिमेंशनल एरे में डिक्लेयर करता हूं कि आई एन टी ए आर आर टू टू, तो ये बेसिकली हम टू डिमेंशनल एरे बना रहे हैं। ओके, जीरो वन जीरो वन। ओके, तो हम इसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है आई एन टी ए आर आर जीरो जीरो इक्वल टू 10, आई एन टी ए आर आर जीरो वन इक्वल टू 20, ए आर आर वन
जीरो इक्वल टू 30, सॉरी INT लिखने की जरूरत नहीं है, ओके सिंपली लिख दी ARR, सॉरी वन वन इक्वल टू 40। तब ये क्या करेगा, ARR 0 0 मतलब इंडेक्स 0 0, ये इस पे क्या करेगा, वैल्यू 10 को स्टोर कर देगा। एंड इंडेक्स 0 1 दैट इज दिस वन, यहां पे क्या करेगा 20 को स्टोर कर देगा। इंडेक्स 1 0 फर्स्ट रो 0th कॉलम ये वाला, यहां पे 30 स्टोर कर देगा। इंडेक्स 1 1 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे 40 को स्टोर कर देगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ओके अब अगर इसको फॉर लूप से करना चाहें तो अब आपके पास क्या है, एक रो है और कॉलम है। ओके अब आपके पास अगर 1D था तो आपके पास क्या था, ये इंडेक्स ये इंडेक्स ये इंडेक्स, तब आपको डाउन मूवमेंट के लिए कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं चाहिए था। ओके अब लेकिन यहां पे क्या है आपका, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको रोज और कॉलम दोनों में मूवमेंट करना है। ओके तो रोज और कॉलम दोनों में मूवमेंट करना है, तो अब आप फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। हम कहते हैं रोज के लिए हमने ले लिया आई, कॉलम के लिए ले लिया हमने जे। ओके अब हम लिख सकते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, यहां पे क्या है 2, आई प्लस प्लस। ओके नेक्स्ट लाइन में लिखें फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन साइज ऑफ कॉलम, यहां पे 2 है, जे प्लस प्लस। ओके नाउ वी कैन से ए आर आर आई जे इक्वल टू वट एवर वी वॉन्ट टू गिव। ओके तो ए आर आर आई जे इक्वल टू 10 प्लस ए आर आर आई जे, और वी कैन से 10 प्लस 0 वट एवर यू वॉन्ट टू से, 10 प्लस 100, 10 प्लस आई, और 10 प्लस जे, और 10 प्लस आई इंटू जे, जो वैल्यू आपको देनी है आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है सिमिलरली अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किया आई एन टी ए आर आर 2 2। ओके तब हम क्या कर सकते हैं, एक ये हो गई आपकी रो, ये हो गया आपका कॉलम। ओके दो लूप चलाने पड़ेंगे, एक कॉलम के लिए एक रो के लिए, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रोज, आई प्लस प्लस। ओके फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ओके जे प्लस प्लस सॉरी देन स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए आर आर आई जे। ओके तो अब ये क्या करेगा, हमारे पास क्या है 0 1 0 1। ओके ये कॉलम है, ये रोज है, आई की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 2 ट्रू अंदर गया, जे की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 2 अंदर गया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले यूजर से कौन सी वैल्यू का इनपुट लेगा, ए आर आर आई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई राइट नाउ, जीरो जीरो, और जे की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो।
सो ए आर आर 0 0 पोजीशन पे यूजर से इनपुट ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट दिया 10, तो ये ए आर आर 0 0 पे स्टोर कर देगा। नेक्स्ट टाइम ये गया फिर से ऊपर फॉर लूप पे, यहाँ पे इसने क्या किया, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट की, जे की वैल्यू 0 थी इसने अब 1 कर दिया, 1 इज लेस देन 2 ट्रू, अंदर गया। अब ये गया ए आर आर, आई की वैल्यू अभी 0 ही है, जे की वैल्यू 1 है, ये यूजर से ले लेगा 0th 1, 0th रोज फर्स्ट फर्स्ट कॉलम के लिए वैल्यू यूजर से ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दिया 20, तो ये 20 को यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम गया आई की वैल्यू की इंक्रीमेंट किया, 2 हो गई, 2 इज लेस देन 2 फॉल्स, ओके फॉल्स, तो इस फॉल लूप से बाहर आया। अब ये फिर से ऊपर गया आई के लूप, इस वाले फॉल लूप में आई की वैल्यू अभी क्या थी 0, 0 से इसने 1 किया, 1 के बाद इधर गया फिर से इस लूप में, जे इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, 0 इज लेस देन 2 ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अब ये क्या करेगा, स्कैन है परसेंटेज डी ए आर आर आई जे, तो ए आर आर आई की वैल्यू क्या है अभी, आई की वैल्यू क्या है अभी 1 1, जे की वैल्यू क्या है 0 0। 0 अब ये यूजर से 1 0 दैट इज रो 1 कॉलम 0 पोजीशन के लिए एंट्री ले लेगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने एंट्री दे दी 30, वो यहां पे स्टोर हो गई। ओके अब क्या होगा, अब ये इस फॉर लूप के अंदर घुसा है, फिर से ये इस फॉर लूप को टेस्ट करेगा। अब जे की वैल्यू अभी इसने 0 थी, जे की वैल्यू अब क्या करेगा 1 कर देगा, अंदर गया आई की वैल्यू अभी भी 1 है, जे की वैल्यू क्या की 1 कर दी, तो वन ए आर आर 1 1 पे इसने यूजर से इनपुट लिया। फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट दिया 40, वो यहां स्टोर हो जाएगा। अब ये ऊपर गया जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 2, 2 इज लेस देन 2 फॉल्स, ये इस फॉर लूप से बाहर आया, दैट इज नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ये है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट जिसने देखी तो इसको पता चला कि ये तो इस फॉर लूप का है, ये फिर से फॉर लूप के पास गया, आई की वैल्यू अभी क्या थी 1, सबसे पहले इसने आई को इंक्रीमेंट किया 2, 2 इज लेस देन 2 फॉल्स, बाहर आ गया। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन समझ में आया, सर। ऐसे ही इनिशियलाइजेशन ऐसे ही आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कोड में देखिए यहां पे इन्होंने सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, तो हर एक लोकेशन का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रही है। ओके ये फॉर का लूप जो है, और ये यहाँ पे इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के कई तरीके हैं, एक दो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, बाकी आप लैब में और तरीकों को टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब टू डिमेंशनल एरे में एक और चीज है जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप वन डिमेंशनल एरे में क्या करते थे, आई एन टी ए, और आपने साइज नहीं दिया तो वो ले लेता था, और साइज क्या होती थी बाय डिफॉल्ट, आपने अगर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 2 3 तो इसकी साइज क्या हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 3। ओके इसी तरह अगर 2D एरे है, आई एन टी ए 2 2, ये डिक्लेरेशन सही है, ओके ले लेगा। अगर आपने लिखा आई एन टी ए, ओके तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, अगर आप लिखते हैं आई एन टी ए, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलम को डिफाइन कर देते हैं तो भी ये चल जाएगा, एरर नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम टू डिमेंशनल एरे की बात करते हैं तो हमको इस तरह से हम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते कि हमने रोज को नहीं डिफाइन किया, रोज को डिफाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कॉलम की साइज को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको आएगा कंपाइल टाइम एरर। ओके,
और वो क्यों आएगा इसको थोड़ा पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आइएगा। क्लियर है क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपको? क्लियर है? सर। ओके, तो लास्ट 1-2 मिनट और लूंगा, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। अब ये तो कंटेंट तो खत्म हो गया आपका 1D एरर और 2D एरर का, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इनोवेटिव असाइनमेंट का। जब हमने पहले दिन आपको दिखाया था कोर्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो आपको 30% वेटेज है इनोवेटिव असाइनमेंट का। 35-35 मार्क्स के आपके क्विज और सेशनल होंगे, 30 मार्क्स का आपका होगा इनोवेटिव असाइनमेंट। क्लियर है आपको ये? यस सर। ओके, सो इनोवेटिव असाइनमेंट के बारे में मैं बताना जा रहा हूं अब। इनोवेटिव असाइनमेंट आप ग्रुप में बना सकते हो, दैट इज एक ग्रुप में मैक्सिमम 3 स्टूडेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं हुआ कि 3 ही रखने हैं, आप चाहो 2 के ग्रुप बना लो, आप चाहो इंडिविजुअली कर लो, लेकिन एडवाइजेबल है कि टीम वर्क रहे। ओके, तो टीम का साइज मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 3। एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है? ये क्लियर? यस ओके, अब आपको असाइनमेंट ऐसा चूज करना है जिसमें आपको सी लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन दिखाना हो। वो असाइनमेंट ये कोई एक गेम बनाना भी हो सकता है जिसमें आप सी प्रोग्रामिंग का यूज करें, या असाइनमेंट में आप कोई जैसे रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या और कोई मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप सी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज करें। ये बेसिक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको ही लो, आपकी जो मर्जी है आप वो चूज करो, ठीक है? जो मर्जी है आपकी वो चूज करिए। मैं एक एक्सेल शीट नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा, तब तक आप अपना ग्रुप फॉर्मेशन कर लीजिए, अपने ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए कि हमें क्या टॉपिक लेना है, ठीक है? आपको एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा मैं, जिसमें आप अपने अपने टॉपिक दे दीजिएगा और अपने टीम मेंबर्स के रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है? फिर मैं टॉपिक एक बार मैं देख लूंगा, अगर उस टॉपिक को समझ में आ रहा है कि हाँ वो टॉपिक करने लायक है, तो मैं उसको ओके कर दूंगा, देन यू कैन गो थ्रू विद दैट प्रोजेक्ट। ओके, और जो अगर एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें आप बना रहे हो ना, तो उसमें आपको फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी कंटेंट और डेटा उसमें डाल रहे हो उसको स्टोर कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो लास्ट यूनिट जो है आपकी है वो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपकी सेल्फ स्टडी में दी हुई है, ठीक है? तो इस तरीके का जो सिस्टम बनेगा उसमें आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना होगा। गेमिंग के कंसेप्ट में हो सकता है कि वो फाइल मैनेजमेंट ना आए। मैक्सिमम साइज मैंने आपको बोली है कि 4 नहीं 3 होगी, 4 लोगों का नहीं बनाई है, ठीक है? 3, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग, 4 का नहीं। ओके, और कोई डाउट है इसमें असाइनमेंट में? आपको मतलब करना क्या है ये समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, सो आपके पास पूरा 1 वीक है। नेक्स्ट वीक तक आप ये अपना टॉपिक डिसाइड कर लो और अपनी टीम डिसाइड कर लो, और इसका सबमिशन मोस्ट प्रोबेबली हम एंड ऑफ जैन में ले लेंगे आपका। एंड ऑफ जैन तक उसको आप कंप्लीट कर देना। टर्म असाइनमेंट, या इट इज लाइक अ टर्म असाइनमेंट। ओके ओके देन, सर यस, सब प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देना है या ऐसे ही आपको कोई? दोनों, आपको कोड का एक फाइल बनानी पड़ेगी और एक प्रेजेंटेशन छोटा सा देना होगा जिसमें आप समझाएंगे कि आपने किया क्या है, ठीक है? ओके, सो आई एंड दिस क्लास टुडे, विल होपफुली वी मीट ऑन टुमारो एंड विल प्रोसीड टू स्ट्रिंग्स नाउ। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।